वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 6 बजे के आसपास और मैं मॉर्निंग वॉक करके भी आ गई हूँ, तो आज सोचा कि मॉर्निंग से ही ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। सो अभी मेरा योगा वाला सेटअप तो रेडी नहीं हुआ है, बट मैं बाहर थोड़ी देर वॉक करती हूँ, उसके बाद थोड़ा लेमन वाटर पी के, मतलब अभी से आपके साथ दिन की शुरुआत कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और पिछले कल मैंने बेडशीट वाला शेयर किया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच गाइज। और जब मैं मायके से आ रही तो मेरी मम्मी के लिए भी आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, दिल से थैंक यू गाइज। पिछले कल ब्लॉग में बताना भूल गई थी। सो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं वॉक करके जस्ट पहुंची हूँ, थोड़ी सी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि आजकल विंटर्स आने वाले हैं तो अंधेरा सा होता है, मैं शूट भी नहीं कर पाती मॉर्निंग से। सो नहीं तो आपके साथ मैंने थोड़ा शेयर करना था, क्योंकि रास्ते में आते आते अंधेरा ही होता है। हम 5 o'clock चले जाते हैं और 6 o'clock के अराउंड वापस आ जाते हैं, तो अभी सोचूँ कि थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ बाहर, लेमन वाटर पीती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस आपसे। बजे के आसपास और मैंने अपना योगा मेडिटेशन कर लिया है और बहुत अच्छा वेदर है अभी मॉर्निंग के टाइम पे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले पानी वानी पी लेती हूँ। तो चलिए पहले पानी तैयार कर देती हूँ, लेमन वाटर। अब प्लांट्स देखिए कितने बड़े होंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं मायके गई थी तो ये कितना छोटा सा था, अब देखिए कितना बड़ा हो गया। सो आई एम रियली हैप्पी। चलिए मैं पी रही हूँ लेमन वाटर और योगा मेडिटेशन सब हो चुका है और बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में। और प्लीज़ आप लेमन वाटर को ज़रूर इंक्लूड करें। और मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर है मुझसे साइड बेली फैट के लिए योगा पूछ रहे थे, ज़रूर शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा ऊपर भी काम चला है टेरिस पे, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा है वहाँ पे, बट सेकंड फ्लोर में जहाँ मेरे प्लांट्स हैं वहाँ मैं सोचूँ थोड़ा सेटअप करूँ अपने मॉर्निंग के रूटीन के लिए, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इसके रिगार्डिंग। तो चलिए पहले मैं अपना पानी पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, बाहर का वेदर तो इस टाइम पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा सा। आजकल मॉर्निंग में यहाँ पे ये हो गया है कि थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगा है, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे ठंड सी फील होती है। और यहाँ पे गाइज टाइम हो रहा है 10:30-11 बजे के आसपास और मॉर्निंग के जो भी काम थे कम्प्लीट हो चुके हैं, शावर वगैरह मैंने ले लिया है और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था हल्का फुल्का सा, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ और ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है रूटीन का। बस यहाँ पे फ्री होने वाली हूँ, इसके बाद आज आपके साथ कुछ स्पेशल शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो के साथ गाइज बने रहिएगा एंड तक। सो बताइएगा ये लुक आपको कैसा लग रहा है। ये अमेज़ोन से कुर्ती मैंने परचेज़ की है और आप चाहें तो लिंक मैं छोड़ सकती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। फ्रेश और बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी है गाइज, आज मॉर्निंग में मौसम ठीक हो गया था और आज मेरी बहुत अच्छी रूटीन रही मॉर्निंग में, मैंने थोड़ा बहुत मेडिटेशन योगा भी किया, वॉक भी किया। और एक्चुअली आजकल रूम में ही कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अभी मेरा सेटअप नहीं हो पा रहा है अच्छे से, बट फिर भी आने वाले ब्लॉग्स में सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा सा सेटअप करके, आप लोग में से बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं मुझसे योगा के लिए और थोड़ा बहुत वेट लॉस के लिए। सो देखती हूँ मैं, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज मैंने बाल वॉश नहीं किए हैं, बस ऐसे ही इन्हें छोड़ दिया है क्योंकि पिछले कल मैंने कर दिया था हेयर वॉश अपना। गाइज अभी टाइम जो है वो 11:30 बजे के आसपास हो रहा है और घर का जो भी काम था कंप्लीट हो गया है और ब्रेकफास्ट हमने मॉर्निंग में ले लिया था, तो मैं तो एक प्रोटीन ले रही हूँ, आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। कोई मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहा था, ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि उसके और बेटर रिजल्ट आने देती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। सो अभी टाइम 11:15 बजे के आसपास हो रहा है और फैमिली में सभी को आज लंच में खाने हैं नूडल्स। सो एक्चुअली सबकी डिमांड है कि चाउमीन बनाए जाए हक्का नूडल्स घर पे। सो मैंने कभी भी अपने चैनल पे ये रेसिपी शेयर नहीं की है, बहुत सारी रेसिपी शेयर की है बट ये वाली नहीं की है, तो मैं सोची हूँ आज हक्का नूडल्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं किस तरह बनाती हूँ। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा बट फिर भी मैं किस तरह बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करी हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन, करते हैं तैयारी शुरू और पहले थोड़ा बहुत चॉपिंग का काम करूँगी और 12:30-12 बजे तक ही बनेगा लंच क्योंकि टाइम लगता है उसे पहले चॉपिंग करने में, फिर काफ़ी सारी चीज़ें करने में। तो चलिए फिर चलते हैं।
गाइज, आज मैंने बिल्कुल लाइट सा शेड लगाया। एक्चुअली ये काइंड ऑफ लिप बाम है और स्किन देखिए कितने अच्छे से ग्लो कर रही है। और ये बस उस लॉरियल के प्रोडक्ट का कमाल है सारा। और अभी मैं सोची हूँ DIY कुछ फेस मास्क भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी मुझे हेयर स्पा वाली भी रिक्वेस्ट वीडियो आई हुई है, सो चलिए, धूप बहुत तेज़ लगी है गाइज। सो अभी थोड़ा सा फ्री टाइम होता है और बाहर निकली तो देखा कि मौसम जो है चेंज होने लगा, बादल से आने लगे। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों की वीडियोस देख लूँ, कुछ छूट जाती है मुझसे, एक दिन में नहीं हो पाता, तो कमेंट्स वगैरह के रिप्लाई भी करने थे। सो यहाँ पे कुछ एक मैट्स थे जो मॉर्निंग में मॉपिंग के टाइम पे बाहर रख दिए थे सुखाने के लिए, तो बस उन्हें एडजस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। और विंडोज़ वगैरह भी ओपन कर रख रही हूँ क्योंकि फिर थोड़ी सी जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ जाती है। और गर्मी तो गाइज़ यहाँ पे दिन के टाइम में बहुत होती है। और इसके बाद में बैठ गई थी आप लोगों की वीडियोज़ देखने, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का रिप्लाई करने, और अच्छा लगता है मुझे रीड करना फिर उनका रिप्लाई करना। तो मैं बिल्कुल फ्री टाइम से तसल्ली से बोलते हैं ना, तो उस तरह से ही रिप्लाई करती हूँ। और इसके बाद आ गई थी मैं लंच की प्रेपरेशन करने, बहुत टेस्टी हक्का नूडल्स चाउमीन मैं आज घर पे बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और थोड़ी बहुत प्रेपरेशन है करके रखती हूँ और उतना ही टाइम होता है फिर। तो यहाँ पे गाइस मैंने जो है सबसे पहले तो वाटर ले लिया है एक इस तरह के पैन में, और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें ताकि नूडल्स आपस में चिपके ना। यहाँ पे ले रही हूँ मैं चाउमीन हाका नूडल्स, बहुत अच्छे आते हैं छोटी पैकेजिंग में, आप बड़ी पैकेजिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं 2 पैकेट्स, तो क्योंकि फैमिली मेम्बर 4 हैं तो सोचा कि चलो थोड़े ज़्यादा भी बन जाए तो कुछ नहीं है। सो यहाँ पे चॉपिंग भी देखिए मैंने यहाँ कर दी है। यहाँ पे है ग्रीन चिलीज़ और कैप्सिकम को बारीक बारीक चॉप किया है, कैबेज है, साथ ही साथ अनियन। आप चाहें तो रेड कैप्सिकम का यूज़ भी कर सकते हैं, और वेजिटेबल भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे नूडल्स भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सॉसेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस, केचप ले लिया है, गार्लिक पेस्ट मैंने बना दिया था ऑलरेडी, तो इस तरह के जो भी सॉसेस थे वो मैंने ले लिए हैं। ऑयल भी चढ़ा दिया है यहाँ पे। तो इसके बाद हमारे जो नूडल्स थे मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिए थे ताकि जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए और चाउमीन बहुत अच्छा बने मार्केट वाला। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ। आप चाहें तो गाइस कच्चा प्याज भी लास्ट में ऐड कर सकते हैं, बट मैं सिंपल तड़का लगा रही हूँ यहाँ पे। सो मुझे इसी तरह से बनाना पसंद है। इसमें बस वही बेसिक से खड़ा धनिया, ज़ीरा, प्याज, चिलीज़ वगैरह डाल दी हैं। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे सभी जो भी वेजिटेबल्स मैंने कट की थी बारीक बारीक वो डाल दिए। देखिए कितना फ्लेवरफुल लग रहा है दिखने में ही। इसके बाद करते हैं प्रिपेयर सॉस। तो कभी भी गाइस मैं डायरेक्ट सॉस नहीं डालती हूँ, मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है। तो इस तरह से कटोरी में मैं सभी सॉसेस को ना मिक्स कर देती हूँ, तो ताकि एक अच्छा सा तैयार हो जाए मिक्सचर और सब जगह अच्छे से मिल जाए। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट डालते हो तो थोड़ा मिलने में मुझे दिक्कत आती है। चलो अब अपना तरीका होता है बनाने का, आप लोग शायद कुछ अलग तरीके से बनाते होंगे। बस मैं इस तरह से सभी को मिक्स करके ना यहाँ पे डाल रही हूँ, और अच्छा लगता है कि सब एक साथ मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। सो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से हो गए हैं। इसके बाद जो मैंने सुखाने के लिए रखे थे, मतलब ड्रेन होने के लिए रखे थे नूडल्स, वो भी ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद इसके साथ आता है एक स्पेशल मसाला, चाउमीन मसाला, वो ऐड कर दिया है। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं गाइस। थोड़ी देर में इन्हें करारे से होने दूंगी, मतलब थोड़े से ड्राई ड्राई से अच्छे लगते हैं। तो गैस फुल कर दिया था यहाँ पे। सो साथ ही साथ देखिए गाइस लास्ट लुक, और यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल के मैंने लास्ट का टच दिया है, और बहुत अच्छे लगते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस इट्स टाइम फॉर सर्व, और यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और लंच में आज हम यही खाएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। सो गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मार्केट जाएँ और मार्केट से ही चाउमीन ऑर्डर करें या खाएं, वहाँ पे घर पे भी एक हेल्दी वे में बना सकते हैं। वहाँ पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, मुझे तो कभी ट्रस्ट नहीं होता है। सो घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा रेसिपी कैसी लगी। वेलकम बैक। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 2 बजे के आसपास, और गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है मुझे तो। और अभी बस हमने लंच वगैरह कर लिया है, तो हाका नूडल्स बनाए थे। कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।
सो अभी मैं सोच रही हूँ कुछ एक नोट्स बना दूँ। एक्चुअली मेरा जो वीकली रूटीन की मैं हमेशा बनाती हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी कि मेरा वीकली रूटीन किस तरह से रहता है, वो मुझे तैयार करना है और उसी हिसाब से मैं अपना जो वीकली का रूटीन रहता है काम करने का वो करती हूँ। और वो मुझे प्रिपेयर करना है, मायके से आने के बाद मैंने रेडी नहीं किया था इतने दिन, सो अब मैं सोच रही हूँ आज उसे बैठ के कर लेती हूँ। सो गाइज मैं आपको मिलती हूँ गाइज इवनिंग टाइम पे, और तब तक आप लोग मतलब भी रेस्ट कीजिए। सो मिलती हूँ गाइज इवनिंग टाइम पे। गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइज टाइम हो रहा है 6 बजे के आसपास, तो यहाँ बन रही है चाय शाम की, और ये तो गाइज बहुत ज़रूरी है, मतलब सुबह और शाम की चाय। तो सो यहाँ पे मखाने थोड़े से मैं फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने चाय भी लगा दी है, चढ़ा दी है बनने के लिए। तो मखाने आज स्नैक्स में बन रहे हैं, सोचा कि थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन रखती हूँ। कभी कभी नमकीन भी ले लेते हैं, तो इट डिपेंड्स कि फैमिली मेम्बर्स का क्या डिमांड है खाने का। तो बस यहाँ पे चाय भी अच्छे से उबल गई है, सो आइए आप लोग भी चाय इंजॉय कीजिए शाम की। सो इसके बाद बैठ जाएंगे हम बालकनी में, क्योंकि शाम की चाय मॉर्निंग की टी बालकनी में ही सब इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा फैमिली टाइम हो जाता है क्योंकि सभी अब अपने बिजी होते हैं, तो ये एक मॉर्निंग टी और इवनिंग टी का टाइम ऐसा होता है कि सभी इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ बैठ जाएंगे हम बालकनी में। सो गाइज इस प्यारे से व्यू के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा आज का व्लॉग कैसा लगा आपको। लॉट्स ऑफ लव गाइज, टेक केयर।